करें, फिर आप बैठिएगा और हम थोड़े वक्त के लिए जो कुछ भी खुदा ने दिल में रखा है आपसे शेयर करेंगे। बाइबल कितने लोगों के पास बिता सकते हैं? हाँ खुदा हेलो, एक बाइबल भाई से बाइबल को साथ लाइए लाया करें। ये खुदा का कलाम है और आपको इससे महफूज रखते हो। हमें निकालिए नजर मत्ती रसूल की बाबत लिखा गया अंजीली बयान उसका 25वां बाब और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा आप सबों की रहनुमाई के लिए। कलाम फरमाता उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कंवारियों की मानित होगी जो अपनी मछले लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकली। उनमें 5 बेवकूफ और 5 अकलमंद थीं। जो बेवकूफ थी उन्होंने अपनी मछले तो ले ली मगर तेल अपने साथ ना लिया, मगर अकलमंदों ने अपनी मछलों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी ले लिया। और जब दुल्हा ने तेल लगाई तो सब ऊँघने लगी और सो गई। और आधी रात को धूम मची कि देखो दुल्हा आ गया। उस वक्त उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वो सब कवारियां उठ कर अपनी अपनी मछल दुरुस्त करने लगी और बेवकूफों ने अकलमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो क्योंकि हमारी मछलें बुझी जाती हैं। अकलमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफी ना हो, बेहतर यह है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मूल ले लो। और जब वो मूल लेने जा रही थी तो दुल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वो उसके साथ जश्न में अंदर चली गई और दरवाजा बंद हो गया। जोर से बोलिए और दरवाजा बंद हो गया। और जोर से बोलिए और दरवाजा बंद हो गया। फिर वो बाकी कवारियां भी आई और कहने लगी ऐ खुदावंद हमारे लिए दरवाजा खोल दे। उसने जवाब में कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुमको नहीं जानता, बस जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। खुदावंद के कलाम का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना आप सबों की जानों के लिए और मेरी जान के लिए भी बाई से बरकत ठहरे। सब बोलिए आमीन। तशरीफ रखिए बैठिए। आज हम खुदा के कलाम में से जिस बात को सीखने को है ये एक बहुत बड़ा वाक्या बहुत जल्द रूनुमा होने वाला है। आप में से कितने लोगों का ईमान है कि खुदावंद यीशु आने वाला है? सबका ईमान है, सबका ईमान है। सब बोलिए खुदावंद यीशु आ। जोर से बोलिए खुदावंद यीशु आ। आमीन आमीन। तो खुदावंद यीशु मसीह के आने से पहले बाइबल मुकद्दस हमें ये आगाह करती है, हमें वार्न करती है, हमें बताती है कि कुछ वाक्यात रूपसीर होंगे। उन वाक्यात में से आज हम एक बड़े वाक्य के मुतालिक सीखेंगे और उसका नाम है रैप्चर। क्या नाम है? रैप्चर, कलीसिया का आसमान पर उठाया जाना। जोर से बोलिए कलीसिया का आसमान पर उठाया जाना। हालेलुया। अभी मैं गीत भी गा रहा था, हवाला जात भी पढ़े गए, लिखा है कि खुदावंद खुद ललकार और मुकद्दस फरिश्ता की आवाज के साथ और नरसिंगा की बड़ी आवाज के साथ आएगा। पिछला बदल जाएंगे और बादलों पर खुदावंद यीशु मसीह
नंबर एक की कलीसिया में से बहुत सी बेटियों ने और बेटों ने बपतिस्मा लिया, क्या वो अपने कदमों पर खड़े होकर दिखा सकते हैं कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया था अभी रिसेंटली जिन्होंने लिया? 1, 2, 3, 4 और भाइयों में से कोई नहीं। और मेरा ख्याल है क्यों पास्टर साहब 4 से ज्यादा लोगों ने बपतिस्मा लिया था, 26 लोगों ने बपतिस्मा लिया था और सिर्फ 4 बेटियां खड़ी हैं यहाँ पर है? हाँ बुजुर्ग भी हैं जी, एक बुजुर्ग ने भी लिया था, 5 लोग हैं, एक वो पीछे भी टाइम है, 6 लोग 26 में से 6 लोग मौजूद हैं आज की इस इबादत में, आज की इस इबादत में 6 लोग और 20 लोग गए। बैठ जाइए, थैंक यू सो मच। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, खुदावंद यीशु मसीह के हुक्म की को पूरा किया है, आप खुदा के खानदान का हिस्सा बन चुके हैं। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अजीजों, रैप्चर के मुतालिक मुख्तलिफ कलीसियाओं में मुख्तलिफ नजरियात पाए जाते हैं। कुछ लोगों का यह मानना है कि कलीसिया मुसीबत बड़ी मुसीबत से पहले उठाई जाएगी। हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन उसमें शामिल होगा और कौन कौन उसमें शामिल नहीं होगा, कौन कौन उसमें शामिल नहीं होगा। ग्रंथियों का खत पर ध्यान करता है, बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है, बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है वो अपने आप को जांच ले। हवाला नोट कर लीजिए, ग्रंथियों पहला ग्रंथियों का कल उसका 10वां बाब उसकी 11 और 11 से 13 लिखा है, पर जो कोई अपने आप को कायम समझता है वो खबरदार रहे कि गिर ना पड़े, पर जो कोई अपने आप को कायम समझता है वो खबरदार रहे कि गिर ना पड़े। क्यों क्यों खुदावंद का कलाम इस तरह बयान कर रहा है? अगर आप मत्ती की अंजील पढ़ें उसके 19वें बाब की 30वीं आयत गालबन, तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह अपनी जुबान मुबारक से बयान करते हैं, बहुत से अव्वल जो हैं वो आखिर हो जाएंगे और बहुत से आखिर जो हैं वो, जोर से बोले, बहुत से अव्वल आखिर और बहुत से आखिर जो हैं वो अव्वल हो जाएंगे। अब आप मुझे आंसर कीजिए कि खुदावंद यीशु मसीह किसको लेने आएगा, किसको लेने आएगा? जोर से बोलिए, शर्माइए मत, किसको लेने आ रहा है? अपनी दुल्हन को। गुड आंसर। दुल्हन कौन है? जोर से बोलिए, दुल्हन कौन है? कलीसिया। दुल्हन कौन है? और कलीसिया का मतलब है चुने गए लोग, वो लोग जिनको चुन लिया गया है वो कलीसिया है। आप में से कितने लोगों ने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है? खड़े होकर दिखाएं जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है, बैठो फिर। जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है, अजीजो कलीसिया वही है, बैठे बैठे कोई बात नहीं, कलीसिया वही है जो खुदावंद यीशु के खून से धुल चुके हैं। कलीसिया में हर वो भाई हर वो बहन शामिल है जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के हुक्म को पूरा किया है। कलीसिया में हर वो भाई हर वो बहन शामिल है जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के हुक्म की तामील करते हुए बाप बेटे और रूह
कलीसिया का हिस्सा है। सबसे पहली बात जो खुदावंद यीशु के खून से धुले हुए नहीं है वो कलीसिया में शामिल नहीं होंगे, वो कलीसिया में शामिल नहीं होंगे, वो आसमान पर नहीं उठाए जाएंगे। बाइबल मुकद्दस बयान करती है, अभी जब मैंने हवाला पढ़ा है आपके सामने मत्ती की इंजील में, दस कवारियों की तफसी, दस की दस कवारियां हैं और पूरी तैयारी के साथ आई हैं, लेकिन पांच जश्न के अंदर चली गई हैं और पांच बाहर रह गई हैं। वजह क्या है, क्यों बाहर रह गई हैं? क्योंकि अपनी तरफ से उन्होंने अपनी मुकम्मल तैयारी की, लेकिन अपनी तैयारी बात खुदा के कलाम में लिखा है, ऐसी राहें भी हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती हैं मगर उसकी इंतहा में मौत की राहें। अपनी तरफ से हर ईमानदार भाई बहन इस बात की कोशिश में है कि हम किसी तरीके से यीशु के साथ जुड़ जाएं। हर मसीही अपने आप को इस लायक ठहराता है कि शायद मैं खुदा की कलीसिया का हिस्सा हूं और मैं आसमान पर रैप्चर किया जाऊंगा, कलीसिया जब आसमान पर उठाई जाएगी तो शायद मैं भी उनमें शामिल होऊंगा। लेकिन खुदा का कलाम इस बात की नफी करता है, लिखा है यीशु मसीह ने कहा, वह तेरे जो मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हैं उनमें से हर कोई आसमान की बादशाह का हिस्सा नहीं होगा, हर कोई आसमान की बादशाह का हिस्सा नहीं होगा। जो कवारियां बाहर रह गई हैं उनकी तैयारी कंप्लीट नहीं थी, उनके पास ऑयल नहीं था, उनके पास तेल नहीं था। जो सबसे ज्यादा जरूरी है खुदा की बादशाहत का हिस्सा होने के लिए ऑयल सबसे ज्यादा जरूरी है, और यहां पर ऑयल का मतलब है खुदा का पात्रू, खुदा का पात्रू। इमाल की किताब बयान करती है, और जो कोई यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेगा रूल कुछ उसको इनाम में मिल जाएगा, हालेलुया, रूल कुछ को इनाम में पाएगा, और ये वो सनद है जो आपको उस कलीसिया का हिस्सा बनाएगी जो आसमान पर उठा लिया जाएगा। और फिर खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, लूका की अंजील में भाई ने भी हवाला पढ़ा, लिखा है दो आदमी चारपाई पर सोते होंगे, एक ले लिया जाएगा दूसरा, एक ले लिया जाएगा दूसरा, और फिर दो औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी दूसरी, और फिर लिखा है दो लोग खेत में हल चलाते होंगे, एक ले लिया जाएगा दूसरा। अब सोचने की बात यह है कि दोनों सेम काम कर रहे हैं, अगर हल की बात है तो दोनों ही हल चला रहे हैं, अगर चक्की पीसने की बात है तो दोनों ही चक्की पीस रही हैं, अगर सोने की बात है तो दोनों ही सो रहे हैं, लेकिन कलाम यह बयान कर रहा है कि एक ले लिया गया है दूसरा छोड़ दिया गया है, एक ले लिया गया है दूसरा छोड़ दिया गया है, एक ले लिया गया है दूसरा छोड़ दिया गया है। यहां पर ईमानदार वर्सेस ईमानदार, कलाम में लिखा है बस आदमी अपने आप को जांच ले, बस आदमी अपने आप को जांच ले। इंसान सुलेमान बिन दाऊद इंसान की किताब में लिखता है, हवाला नोट कर लीजिए, इंसान 3:7 लिखा है, तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, खुदावंद से डर और पति से किनारा कर। बहुत सारे ईमानदार आपके पास, बस आप देखते होंगे अभी पिछले दिनों एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, बहुत सारे मसीही वहां पर गए हैं, वो भी अपने आप को ईमानदार कहते हैं लेकिन डंके की चोट पर उन्होंने बुत परस्ती वहां पर की है, और हजार दलीलें देते हैं। आप बात करके उनसे देखें, आपको कायल कर लेंगे कि ये बात सही है। क्या ऐसे लोग जो डंके की चोट के ऊपर बुत परस्ती कर रहे हैं क्या वो आसमान की बादशाहत का हिस्सा हो सकते हैं? है वो भी ईमानदार। एक मैंने क्लिप देखा, एक भाई वहां पर गया,
क्वेश्चन किया, किसी एक को भी आंसर नहीं आया। क्या आसमान की बात? उसने कहा यार यीशु मसीह ने अपनी मुनादी का एक बात ही यहां से किया था कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। आप मुझे ये बताएं क्या आसमान की बादशाही क्या है? किसी एक को भी आंसर नहीं आया। हैं सारे ईमानदार, वो भी अपने आप को ईमानदार कहते हैं, वो भी यीशु मसीह के पुनर्जी होने का दावा करते हैं, वो भी इस बात को मनाते हैं कि यीशु मसीह आसमान को छोड़कर जमीन पर आ गया, वो भी यीशु मसीह के मसलूब होने का इकरार करते हैं। ये फर्क ही, ये वही फर्क है कि दो लोग चक्की हल चला रहे हैं, एक ले लिया गया दूसरा छोड़ दिया। आपको याद होगा हैकल में दो लोग दुआ करने गए, एक जो था बड़ा पक्का ईमानदार था, कहता खुदावंत को कहता ऐ बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं कि मैं इस ये जो पीछे बैठा हुआ है गालबन मसूल लेने वाला, ये पता नहीं कौन था, गुने सॉरी मसूल सॉरी मसूल ले मैं भूल जाना सॉरी, तो उसने कहा खुदावंद मुझ गुनाहगार पर रहम कर। तो खुदावंद यीशु मसीह क्वेश्चन करते हैं, बताओ मुझे कि इन दोनों में से कौन बरकत लेकर वापस गया। खुदावंद यीशु मसीह बयान करते हैं कि जब इब्ने आदम अपने अदालत के तख्त पर बैठेगा और कौमें उसके सामने हाजिर की जाएंगी, दाएं वाले और बाएं वाले, और लिखा है खाना खिलाया, भूखों को खाना खिलाया, हर वो बात जो तेरे कलाम में लिखी है हमने की है, और लिखा है कि इब्ने आदम उनको कहेगा कि यहां से चले जाओ, मैं तुम्हें जानता भी नहीं, और फिर दूसरी तरफ वालों को क्या कहेगा कि आओ उस मिरास का हिस्सा बनो जो अजल से तुम्हारे वास्ते तैयार की गई है। क्यों अजीजों रैप्चर का हिस्सा ना बन पाऊं, इसलिए मुझे भी जरूरत है कि मैं अपने आप को जांचूं, परखूं। खाली बाइबल पढ़ लेना, दुआ कर लेना, रोजे रख लेना काफी नहीं है। आप इस बात पर गौर करें कि आपका रिलेशन खुदावंद यीशु मसीह के साथ कैसा है। आपको याद होगा कि दो डाकू खुदा यीशु मसीह के साथ मसलूब किए गए। एक डाकू ने क्या कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो खुद भी बच जा, सानू भी बचा, खुद भी उतर आ और मुझे भी उतार। लेकिन दूसरे ने क्या कहा कि तू खुदा से भी नहीं डरता, हम तो अपने किए की सजा पा रहे हैं, लेकिन इसने तो कुछ भी और फिर उसने एक रिक्वेस्ट की, उसने खुदा खुदावंद जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना, तो मुझे याद करना, और लिखा है कि वो उसी लम्हे नजात पा गया। यीशु मसीह ने उसको इस बात की श्योरिटी दी कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हम में से हर एक भाई की एक ख्वाहिश है कि मैं भी उस फिरदौस का हिस्सा बनूं, हर एक बहन की एक ख्वाहिश है, लेकिन क्या हमारा चाल चलन, क्या हमारा रवैया, क्या हमारी बातें, क्या हमारे काम खुदावंद यीशु मसीह को पसंद हैं? क्या हम
खुदा के घर में आना बड़ी अच्छी बात है, बाइबल पढ़ना बड़ी अच्छी बात है, वर्शिप करना, खुदा के कलाम को सुनना सुनाना बड़ी अच्छी बात है, सब कुछ सब बातें अपनी जगह पर सही है, लेकिन फिर भी हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है कि मैं भी कहीं छोड़ ना दिया जाऊं, मैं भी कहीं रह ना जाऊं। अजीजों, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका रिलेशन खुदावंद के साथ कैसा है। खुदा के कलाम में आखिरी बात करके इसको मैं क्लोज करता हूं, लिखा है हुक्म आना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। खुदा यीशु मसीह मरियम के घर गए, मरियम और मार्था की बात कर रहा हूं। मार्था क्या कर रही थी, जोर से बोलिए, क्या कर रही थी, जोर से बोलिए यार, खाना बना रही थी, किसके लिए, यीशु के लिए। कितना अच्छा काम है, गुड वर्क ना, यीशु मसीह के लिए खाना बना रही है, अपनी अकीदत का इजहार कर रही है, अपनी मोहब्बत जता रही है कि यीशु देख मैं कितनी ज्यादा तुझसे मोहब्बत करती हूं, मैं तेरे लिए अच्छे अच्छे पकवान तैयार कर रही हूं। और मरियम क्या कर रही थी, खुशी भी नहीं बैठी बेली है ना। हमारी अगर लैंग्वेज में कहा जाए, आज के हम जो माए बहने बेटियां हैं उन्होंने जुबान से किया जाए थे, हम कहेंगे बेली बैठी गल्ला सुनती पई है जी, कहेंगे ना बेली बैठी गल्ला सुनती पई है। लेकिन मार्था ने कहा खुदावन मरियम को भेज, मेरी हेल्प करे, मेरी मदद करे, मैं लेकिन यीशु ने क्या कहा है, मार्था मार्था मरियम ने, जोर से बोलिए, मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया है, हालेलुया, मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया है। खुदावंद यीशु मसीह हमारी शुक्रगुजारियों का नहीं चाहता, मैं वर्ड दूसरा नहीं यूज करता, खुदावंद यीशु मसीह को हमारी शुक्रगुजारियों की जरूरत नहीं, हमारे खानों की जरूरत नहीं है, खुदा ये चाहता है, खुदा का बेटा यीशु ये चाहता है कि आप सब इस कलाम से भर जाए। हालेलुया, लिखा है कलाम में लिखा है कि उसके भाई उसकी बहनें उसके रिश्तेदार यीशु से मिलने आए, और जब यीशु के पास ये इत्तला पहुंची कि तेरे रिश्तेदार आए, तेरी माँ तेरे भाई आए हैं बहने आई हैं, तो उसने कहा मेरे भाई और मेरे बहने तो वो हैं जो मेरे कलाम को सुन। हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह सबसे ज्यादा इस बात को पसंद करता है कि उसके हुक्म को माना जाए, और उसका हुक्म ये है कि कलाम से भरते जाओ, उसका हुक्म ये है कि इस कलाम को अपनी जिंदगियों में कसरत से बसने दो, उसका हुक्म ये है कि उसके बेटे यीशु, खुदा के बेटे यीशु को आप गहरे तौर पर जानें। बाज दफा हमारी इंटेंशन कुछ और होती है, बाज दफा हम कुछ और सोच रहे होते हैं कि शायद ये काम करके मैं खुदावंद यीशु की कुर्बत में चला जाऊंगा, हम ये सोच रहे होते हैं शायद मेरी तयकी जो है मैं सबसे ज्यादा टाइट देता हूं, ये मुझे यीशु के नजदीक ले जाएगा, बाज दफा हम सोचते हैं कि मैं ज्यादा रुपया पैसा देता हूं, मैं खाने खिलाता हूं, मैं ये मैं चर्च की खिदमत करता हूं सारा सारा दिन, चर्च ने कमा ची रुचिया रहना है। लेकिन अगर आप कलाम से वाकिफ नहीं तो ये सब बेकार है, ये सब बेकार है, क्योंकि वहां पर लिखा है बहुतों ने इस बात को क्लेम किया, हमने बड़े बड़े क्रूसर करवाए, हमने मुर्दों को जिंदा, तेरे नाम से मुर्दों को जिंदा कर दिया, हमने तेरे नाम से बदरुओं को निकाल दिया, तेरे नाम से बड़े बड़े मौजजात किए, लेकिन यीशु ने एक ही बात कही, आई डोंट नो, मैं तुम्हें नहीं जानता, इससे पहले कि आपके लिए दरवाजा बंद कर दिया जाए आप अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह को दें। हालेलुया, बारह मरतबा हमने इस सरमन को, मैं अभी बुआ जी ने मुझे दिखाया जब वर्स पढ़ी जा रही थी, 2016 में भी मैंने इस सरमन को डिलीवर किया, उन्होंने मेरा नाम लिखा हुआ है, डेट डाली हुई है 2016 कि 2016 हम बारह मरतबा आप लोगों को जगाते रहते हैं, हम बारह मरतबा आप लोगों को बताते रहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को अपना दिल दे दो। एक
गीत हम गाते हैं हम कोई तो सिर्फ एक मिनट एक गीत हम गाते हैं असा आसमाना ते जाना ते दुख दुनिया उठावे जोर से बोलिए असा आसमाना ते जाना ते दुख दुनिया उठावे कि आसमान ते जाना ही जाना रैप्चर होना ही होना है लेकिन अपने आप को जांचिए कि क्या मैं उस रैप्चर का हिस्सा होंगी क्या मैं उस रैप्चर का हिस्सा होऊंगा क्या मैं उस कलीसिया का हिस्सा होऊंगा जो आसमान की बादशाह की वारस ठहराई जाएगी अजीजों खुदा के कलाम में लिखा है बस आदमी अपने आप को जांच ले हम अपने आप को कायम समझते हैं कहने हम ऐसी कहने ऐसी बड़े कायम हैं मसीह में बड़े रुझे हैं हम मसीह के साथ बड़े गुदे हुए हैं लेकिन शायद हम में भी उस ऑयल की कमी है जो उन बेवकूफ कवारियों के पास नहीं था जो बाहर रह गए अजीजों मेरी दुआ है कि हम सब अपने पूरे दिल से खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़ जाए खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे थैंक यू